यहाँ चुनाव किसका ठीक चल रहा है, कौन आगे चल रहा है? देखिएगा बीजेपी और चंद्रशेखर के बीच में है। और चंद्रशेखर, मैं आपको ये बतला दूं कि एससी और मुस्लिम 75% वोट मिल रहा है। नहीं नहीं, चुनाव जो है वो बीजेपी और गठबंधन के बीच में है। अच्छा। चंद्रशेखर तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की लड़ाई में बीएसपी के साथ है। अच्छा, बाहर से हम दिल्ली से हैं, बाहर तो ऐसा माहौल बना हुआ है। ऐसा था, मैं बता देता हूँ, अभी रमज़ान चल रहा था, तो रमज़ान में क्या था, चंद्रशेखर का जो यहाँ चुनाव लड़ाने वाला कैडर था ना, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए थे, वो वोटर नहीं है। ये जो भीड़ दिख रही है चंद्रशेखर के साथ में, ये वोट नहीं करेगी उसे, वोट नगीने की जनता करेगी। तो नगीने की जनता तो साथ में नहीं थी, वोट करना है नगीने की जनता ने या नगीने लोकसभा की जनता ने। तो ये कहना कि क्या नाम है? मेरा नाम शादाब है। हाँ, तो चंद्रशेखर को माइनॉरिटीज़ का तो आप मानिए 5-10% वो वोट मिलेगा जो कभी मुस्लिम लीग को मिलता था, कभी ओवैसी को मिलता था, वो जो वैसा वाला वोट है ना यूथ का, वो तो मिल जाएगा। लेकिन वैसे जो पढ़ा लिखा है या जो कुछ शऊर रखता है वोट करने के लिए, वो गठबंधन को वोट देगा, क्योंकि जो गठबंधन का कैंडिडेट है कायदे में देखा जाए तो वो एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। अभी 17 साल की उनकी जो जॉब थी वो बची हुई थी, जज हैं वो, रिजिग्नेशन करके आए हैं अपनी पोस्ट से। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर एक विकसित पर्सनालिटी हमें मिलती है, एक पढ़ा लिखा जज हमें मिल जाता है हमारे क्षेत्र के लिए, तो जाहिर सी बात है कि तरक्की भी होगी। और हम ये कामना करते हैं कि हमें एक पढ़ा लिखा एमपी मिले हमारे क्षेत्र के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है चंद्रशेखर जैसे बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लगातार ना, कि मैं सांसद बनूंगा तो मैं क्षेत्र बदल दूंगा, विकास कराऊंगा, जो तमाम चीज़ें नहीं हुई हैं वो कराऊंगा, इस तरह के दावे कर रहे हैं, आपको लगता था? सर नहीं, ये गलत है, नहीं कर पाएंगे कुछ भी। उसका रीज़न मैं बता देता हूं आपको कि मुझे नहीं पता उन पर कितने मुकदमे हैं, क्या उन्होंने दिल्ली में करा, भड़काने के अलावा, लोगों को मिसगाइड करने के अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं करते। तो मैं तो ये ईश्वर से और अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र को ऐसे अराजक और ऐसे एक लीडर से बचाए जो कभी कहीं धरने, कहीं दंगा और ये सारी चीज़ें कराने में अहम भूमिका नौजवानों को भड़काने में रखते हो। तो हम चाहते हैं, आप बात कर रहे हैं जो आकाश आनंद आए थे बसपा वाले, वो जो बात बोल गए थे वही बात आप नहीं, ये हमने देखा है ना उनका, उनका एरो दिल्ली में देखा है, दिल्ली में उन्होंने क्या जामा मस्जिद पे किया था, भीड़ को भड़का दिया था। तो हम नहीं चाहते, हम तो सब अमन पसंद लोग हैं नगीना में, कि हमारे यहाँ पे कोई एक ऐसा लीडर आए जो ये काम करे। हम तो चाहते हैं जी चाहे कुछ भी हो, हमारे क्षेत्र में जो है वो अमन अमान कायम रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता से और स्पेशली मुस्लिम जनता से कि वो चंद्रशेखर के बहकावे में नहीं आएगी और वो गठबंधन को ही वोट करेगी, और गठबंधन को अच्छा खासा वोट पड़ रहा है। सीधी सीधी फाइट गठबंधन और बीजेपी के बीच में है, दोनों में कोई भी जीत सकता है।